कि गलियों में चल रहे भाई, अभी तो गिर जाता नाली में। तो हम जो है शोपुर की गलियों में चल रहे हैं और पता है नहीं जा कहाँ रहे हैं, लेकिन बस चले जा रहे हैं। बाइक से खड़ी करिए, वैसे आप बच्चों को देख सकते हो। जितने भी बच्चे हैं सब बाइक से देखना है हमारी, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जमा हो चुके हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिर्ची ऑटो राइडर। तो गाइस आज है संडे और हम निकले हैं आज संडे राइड पर। तो हम जाएंगे कोटा से शोपुर जो एमपी में है, और अभी जो हमने राइड कंटिन्यू करी है और अभी टाइम है सुबह के 10:30। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी बन रही है और बने रहे वीडियो पर। तो गाइस अभी हम जो है 80 फुट रोड बोरखेड़ा पहुँच चुके हैं और हम बोरखेड़ा से 12 फोर लेन नेशनल हाईवे 27 पर चलेंगे। और मौसम जो है काफ़ी शानदार हो रखा है। मेरे साथ और भी बाइक्स है जो कि मेरे पीछे चली हुई, और सबसे आगे जो है मैं चल रहा हूँ अभी, और मेरे साथ की जो बाइक्स अभी पीछे आ रही है। और आपको तो पता ही है मोस्टली हाईवे संग तो मेरे साथ जाती है जहाँ भी मैं राइड पर जाता हूँ। तो भाई सिटी में जो है ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, खासकर मुझे इस रोड पर ज़्यादा ही ब्रेकर देखने को मिल रहे हैं। NH 27 पर हम आ चुके हैं और यहाँ से हम सुल्तानपुर होते हुए इटावा, इटावा से खातोली और खातोली से जो हम शोपुर निकले। तो भाई 4 लेन पे हम आ चुके हैं और भाई मौसम जो है एक नंबर हो रखा है, और जो बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है वो काफ़ी शानदार है भाई, क्योंकि मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है और हाईवे भी आप देख सकते हो एकदम मक्खन की तरह रोड है। और बाइक से जो है हमारी 85-80 पर अभी स्पीड हम मेंटेन है और राइड का काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस तो हम निकले संडे संडे राइड पर, तो राइड का काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप मेरे साथ बस एंजॉय करिए और राइड पर बने रहे। तो अभी हम जो है नेशनल हाईवे 27 पर है और अभी एक ताथेड़ जो है विलेज आने वाला है, वहाँ से सुल्तानपुर का एक रास्ता है, तो हम वहाँ से हाईवे छोड़ देंगे और सुल्तानपुर से होते हुए फिर हम विलेज होते हुए सिटी जो भी आए उसके अंदर होते हम निकलेंगे। तो हाईवे का मज़ा जो हमें सिर्फ 10-1 मिनट तक ही मिलने वाला है। तो गाइस हम काफ़ी टाइम बाद जो है राइड पर निकले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो मेरी लास्ट राइड थी जो वो गोवा वाली थी, जो कि मैं 15 अगस्त को गया था, और उसके अलावा तो मैं गया भी नहीं, उसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियो। गाइस जो ये सीधा रास्ता जा रहा है ये जा रहा है बारा शाहबाद की तरफ, ये जो फ्लाई ओवर दिख रहा है आपको ये जा रहा है बारा शाहबाद, और हमें जो है सुल्तानपुर चलना है तो हमें इसके लिए फ्लाई ओवर के नीचे से चलना होगा। वैस चेतक एन जैन को टेक्नोवेल लिमिटेड, ये हम आ चुके हैं गाइस सुल्तानपुर वाले रोड पर और हमने 12 हाईवे को जो है बाय बाय बोल दिया है। और अभी से रोड पर हमें काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा। रोड जो है ये सिंगल वे है लेकिन बढ़िया है, आप देख सकते हो कोई ख़राब रोड नहीं है, बस सिंगल वे। तो रोड बढ़िया होना चाहिए, सिंगल वे डबल वे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस रोड बढ़िया होना चाहिए ताकि स्पीड जो है हमारी मेंटेन रहे। गाइस हम जो है दिगोद गांव में पहुंच चुके हैं, दिगोद विलेज है ये, और इसके बाद पता नहीं है कौन सा आएगा क्योंकि ये वाले रोड पर मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो गाइस हम जो है सुल्तानपुर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी पर रह चुके हैं और अभी भी इटावा यहाँ से 46 किलोमीटर दूर है, और बाइक से जो है अपनी टॉप अप पे है तो निकल पा रही है, लेकिन हाँ फिर भी स्पीड ज़्यादा कम है नहीं अपनी। और मौसम जो है काफ़ी शानदार हो रखा है गाइस, वैसे डेली जो है धूप निकल जाती है लेकिन आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हो। और सर्दी जो है बढ़िया ही है, ज़्यादा भी नहीं है लेकिन हाँ कम बिल्कुल भी नहीं है भाई, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे तो। जैकेट वगैरह हम कंप्लीट होकर आए हैं और आप ये मेरे सामने देख रहे हो ये 8 लेन है, 8 लेन हाईवे जो कि दिल्ली से मुंबई के लिए अभी जो नया रोड बन रहा है वो है ये, और इसका काम जो है अभी चालू है आप देख सकते हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद दिल्ली ये हाईवे दिल्ली और मुंबई का बहुत कम डिस्टेंस बच जाएगा। सुल्तानपुर में एंटर हो चुके हैं और पब्लिक रिएक्शन आप देख ही सकते हो, काफ़ी बढ़िया रिएक्शन देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। और हमारी एक बाइक जो है आगे जा चुकी है और अभी बाकी की जो बाइक से पीछे है। तो गाइस कुछ इस तरह का है सुल्तानपुर और हमें जो है यहाँ से इटावा जाना है,
इटावा का भी जो है रास्ता में मालूम करना पड़ेगा। और ये मार्केट दिख रहा है मुझे सुल्तानपुर का, तो हमें अभी किसी से पूछना होगा कि हमें इटावा किधर से जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी पेड़ किस तरीके से एक मिलकर काफी शानदार नजारा बनाए हुए हैं, और आप देख सकते हो पेड़ काफी अच्छे लग रहे हैं। एक से एक पेड़ मिलकर इन्होंने ऐसा फ्लाईओवर जैसा बना रखा है। आप देख सकते हो आपके सामने कितना अच्छा नजारा आ रखा है। रोड जो है डामर का काफी बढ़िया लगता है मुझे। पागल था क्या भाई वो? तो गाइस मुझे जो है सीसी से अच्छा, काफी सीसी से ज्यादा अच्छा मुझे डामर का रोड लगता है, क्योंकि बाइक जो है एकदम चिपक के चलते है भाई। बाइक चलाने का अलग ही मजा आता है डामर के रोड पर। तो गाइस हमने जो अभी यहाँ पर एक रेस्ट लिया था ये चाचा जी की थड़ी पे, और हम जब जो है यहाँ से निकल रहे हैं, तबीयत जो है मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप शिवपुरी होगा गाइस, उससे पहले हमें अब कहीं भी नहीं रुकना। तो गाइस एक रेस्ट के बाद हम जो है निकल चुके हैं वापस राइड पर, और रोड का जो है काफी शानदार मजा आ रहा है, और मौसम भी आप देख सकते हो, और सामने आप देख सकते हो पेड़ों ने जो है हमारे लिए एक फ्लाई ओवर जैसा बनाया हुआ है। तो गाइस काफी बढ़िया व्यू है और काफी बढ़िया नजारा है, और राइड जो है काफी एंजॉय आ रहा है। खास करके सिंगल रोड है, लेकिन रोड की काफी तारीफ करनी पड़ेगी। है सिंगल लेकिन रोड काफी शानदार है। तो भाई एक राइडर को क्या चाहिए, सिर्फ रोड बढ़िया ही। तो गाइस देख सकते हैं अभी जो है इस एरिया में खेती हो चुकी है, और सामने फ्लाई ओवर बन रहा है, और काफी नीचे जाकर हमें अभी नहर में होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाई ओवर का काम जो है चल रहा है अभी कंटिन्यू, और फ्लाई ओवर जो अभी कम्प्लीट हुआ नहीं है ये। तो हमें देख सकते हो आप कितना नीचे जाना। तो गाइस जो है ये नदी आ चुकी है, पता नहीं है कौन सी नदी है, लेकिन अभी हम जो है नदी के फ्लाई ये पुराना वाला फ्लाई ओवर जिसको रपट बोला जाता है, तो रपट पर चल रहे हैं, और काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम, क्योंकि फ्लाई ओवर का काम जो है अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं पिल्लर जो है खड़े हुए हैं, लेकिन वो आधे ही है अभी, क्योंकि काम जो है चल रहा है कम्प्लीट हुआ नहीं है अभी। और भाई काफ़ी ख़राब रोड है इसका रपट का। तो गाइस यहाँ से जो है इटावा सिर्फ 3 किलोमीटर रह चुका है, और इटावा में हमें रुकना नहीं है, ना ही हमें खातौली रुकना है, हमें डायरेक्ट शिवपुरी रुकना है। तो इटावा जो है आ चुका है, शायद 3 किलोमीटर जो है रह गया है, यानी यहाँ से इटावा जो है स्टार्टिंग हो चुकी है इटावा की। और आज आप देख सकते हो ये 12:30 बज चुके हैं, लेकिन धूप का नामो निशान नहीं है, क्योंकि आज ही से मेरे को ऐसा लग रहा है ठंड ज़्यादा हो चुकी है। तो गाइस मेरे हिसाब से अब जो है खातौली आ चुका है, और इटावा जो है सॉरी इटावा तो हम पार कर चुके हैं, अब ये खातौली आ चुका है। हाँ पुलिस थाना खातौली। तो गाइस जो है खातौली आ चुका है, और हम यहाँ से जो शिवपुर है वो सिर्फ 26 या 25 किलोमीटर दूर होगा। तो गाइस हम जो है एमपी बॉर्डर में इंटर कर चुके हैं, और ये जिला शिवपुर लग चुका है, एमपी में हम आ चुके हैं, राजस्थान जो हम क्रॉस कर चुके हैं। बाइक से आप देख सकते हो सारी मेरे साथ चल ही रही है। गाइस एमपी में इंटर होते हैं, हमें काफी शानदार रोड मिला है, और बाइक से जो है हमारी फुल टॉप अप पे चल रही है। आगे आप देख सकते हो GTR, और मेरी भी बाइक 90+ चल रही है, और रोड काफी शानदार है। और यहाँ जो है खेती हो रही है, आप देख सकते हो सरसों की जो फसल है वो उग चुकी है, सरसों पर फूल आ चुके हैं पीले पीले, तो काफी शानदार नजारा है गाइस यहाँ का। और रोड भी काफी एक नंबर है, राइड का काफी मजा आ रहा है। ऐसा रोड मिले तब जाके कुछ मजा आता है गाइस। और बाइक जो है अपनी फुल टॉप अप पे चल रही है, हालांकि रोड सही है, बस रोड पे क्या है गाइस ब्रेकर बहुत ज्यादा है, स्पीड ब्रेकर काफी ज्यादा होने की वजह से क्या है हमें बार बार हमें गियर शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, नहीं तो गाड़ी अपने टॉप अप पे चल रही है, और रोड काफी बढ़िया है सिर्फ ब्रेकर के अलावा। तो गाइस हम जो है शिवपुर में एंटर हो चुके हैं, और ये शिवपुर का कोई बाजार है, लेकिन हम अभी कोई रेस्ट नहीं लिया। अब हम जो है शिवपुर में एक जगह रेस्ट लेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, और फिर वापस रिटर्न कोटा हो जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ शिवपुर ही आना था।
तो शोपुर तो एंटर हो चुका है, लेकिन अब हमें कोई मार्केट जैसा मिल जाए जिससे कि बढ़िया खाना वगैरह मिल जाए तो हम वह जाएंगे। शोपुर को जो है स्टार्ट हो चुका है। हालांकि एमपी जिला तो मैंने आपको पहले बताया था, एमपी स्टेट तो मैंने आपको जब बताया था पहले से ही लग चुका था, लेकिन अब ये जो है ज़िला शोपुर मतलब मेन सिटी में हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ से जो है मेन सिटी चालू हो चुकी है। तो गाइस शोपुर वैसे देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। काफ़ी पब्लिक नोटिस कर रही है हमें शोपुर में आने के बाद। ये कोत पुलिस थाना कोतवाली जिला शोपुर मध्य प्रदेश। हम जो है शोपुर की गलियों में चल रहे हैं भाई, अभी तो गिर जाता नाली में। तो हम जो है शोपुर की गलियों में चल रहे हैं और पता है नहीं जा कहाँ रहे हैं, लेकिन बस चले जा रहे हैं। और पब्लिक जो है काफी नोटिस कर रही है हमें, खास करके जीटीआर को। और मेरी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है गाइस, आपको सुनाई में दे रहा होगा, रेडिएटर का फैन जो है ऑन हो चुका है। रिएक्शन चेक करो गाइस, रिएक्शन पब्लिक देखो हमें कैसे नोटिस कर रही है भाई। जैसे हमने यहाँ बाइक से खड़ी करी है वैसे आप बच्चों को देख सकते हो। जितने भी बच्चे सब बाइक से देखने आए हमारी, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जमा हो चुके हैं। काफी तगड़ा रोला है गाइस जीटीआर का। शोपुर साहब बाहर आ चुके हैं और शोपुर सिटी जो है पीछे चल रह चुके हैं। तो गाइस हम जो है शोपुर क्रॉस कर चुके हैं, सिटी से बाहर आ चुके हैं और अब हमें बड़ौदा जाना है जो भी एमपी में ही है। बड़ौदा के बाद हम जाएंगे क्वांजापुर जो एमपी राजस्थान के बॉर्डर है, उसके बाद मांगरोल, फिर मांगरोल से हम सीस वाली से अंत होते हुए हम कोटा चल जाएंगे। और ये सामने सरदार जी फुल गुस्से में, बस बड़ौदा से पहले कोई टोल प्लाजा आया हुआ है लेकिन अब पता नहीं है कौन सा टोल है। मध्य प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शोपुर, तो वैसे कोई टोल प्लाजा है शोपुर जिले का ही है क्योंकि। तो बस कुछ ही देर में जो है बड़ौदा आने वाला है और अभी पता नहीं है कौन सी सिटी आ रही है। आप देख सकते हैं बड़ौदा जो है हम पहुंच चुके हैं, ये बड़ौदा ही है, तो बड़ौदा आ चुका है और अब हमें क्वांजापुर जाना है। तो क्वांजापुर यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर बाद जो है क्वांजापुर आ जाएगा। क्वांजापुर में हम एक रेस्ट लेंगे। तो गाइस बड़ौदा भी जो है ये क्रॉस हो चुका है, ये सामने आप देख सकते हैं साइन बोर्ड लगा हुआ है बड़ौदा का। तो यहाँ से बड़ौदा जो है क्रॉस हो चुका है हमारा और अब हम क्वांजापुर चलेंगे। तो गाइस हम जो है निकल चुके हैं एमपी से
और ये जो रिवर देख रहे हो अभी एमपी राजस्थान की बॉर्डर है। सो गाइस हम जो है अभी राजस्थान में एंटर हो चुके हैं। सिर्फ राजस्थान और एमपी के बॉर्डर ये, यहाँ पे राजस्थान और एमपी में सिर्फ ये रिवर का ही फर्क है। ये जो ये रिवर इसका नाम है पार्वती रिवर है, और ये आपस में राजस्थान और एमपी को डिवाइड करती है। तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।